अरे बाप रे, आगे है ना एक्सीडेंट हो गया भाई, ट्रक वाले के आगे कार वाला लगा दिया। ट्रक वाला तो अपने साइड में दिख रहा है, वो उल्टी साइड से आउटटेक मारेंगे, बड़ी गाड़ी वाले को उस साइड में दिखेगा थोड़ी इतनी छोटी गाड़ी। को यहाँ से घर से जबलपुर पड़ेगा 650-700 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा। तो अभी ये रही अपनी गाड़ी, स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते भाई। और चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों यारों में वीडियो को शेयर भी कर देना। ये रही अपनी गड्डी, देख सकते हो 86। और बाकी बबलू भाई की गाड़ी भी भर के आई थी और अपने चोरियान भी भर के आई थी। तीनों गाड़ी हम वापिस आए थे, लेकिन वो लोग सुबह निकलेंगे और हमको भाई अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि कल अपने को गाड़ी जबलपुर पहुंचाना है। समझ लो दोस्तों, हम पहुंच जाएंगे 12-1 बजे दिन में, कल पहुंच जाएंगे। तो आपको गाड़ी पहले बताते भाई। ये रही अपनी गड्डी, देख सकते हो चमचमारी। इसको आज अच्छे से वॉश किया था मैंने, दो धुला के छकाछक कर दिया है, देख सकते हो। तिरपाल पीछे बंधी थी ना तो ऊपर कर दी मैंने, पीछे के फट्टे भी दिख रहे मस्त। अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम की आईडी का नाम भी। फिलहाल में दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से निकलते है। दोस्तों पहुंचे हैं रेटी, ये सीधा भोपाल जाएगा और ये रोड जाएगा होशंगाबाद। रुकते हैं भाई, नाश्ता वास्ता करते हैं यहाँ पे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हो चुकी भाई सुबह और हम पहुंच गए भाई रेटी। तो कौन से रूट से आए हम आप लोगों को बताते हैं, फिलहाल में अपनी गाड़ी बताते। ये रही भाई गड्डी अपनी और चाय नाश्ता करते भाई, वो उधर आगे होटल है। पप्पा जी चलो चाय नाश्ता करते हैं। और तिरपाल ऊपर कर दी थी मैंने कल, मतलब रात में, देख सकते हो पीछे फट्टे दिखना चाहिए ना, इसीलिए। ये रही होटल, इधर चाय नाश्ता करते भाई। यहाँ पे छोटू एक पोहे देना और जलेबी। चलो भाई चाय नाश्ता हो गया है, चलते हैं, गाड़ी देखते इधर उधर और चलते भाई। और अपने को इधर भोपाल साइड में जाना है समझ लो, और इंदौर भोपाल होकर भी आ सकते थे लेकिन उधर टोल ज़्यादा पड़ता है और थोड़ा बहुत लंबा भी पड़ता ना, इसीलिए हम दूसरे रूट से आए। मैं रूट आपको मोबाइल में समझाता हूँ, बताता हूँ मैप के द्वारा। देखो दोस्तों, वापस से गाड़ी लोड करी थी मैंने और वापस से हम सीधे आए इधर चिखली से वासदा से व्यारा, सोनगढ़ से ये हो गया अपना रोड नवापुर के पास से क्या बोलते हैं निजर, शाहदा, खेतिया, पानसेमल, सेंधवा, जुलवानिया, ठिकरी और वहाँ से सीधे इंदौर आ गए, है ना। इंदौर से फिर आए हम ये वाले रास्ते से, देखो ये खुंदेल, हाट पिपलिया और कन्नौत, खातेगांव से नसरुल्लागंज, अब्दुल्लागंज। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, देखो सनकपुर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ना इधर, ये नर्मदापुरम जो लिखा है, ये जाएगा बबई होके सीधा, पिपरी होके भी, करेली नरसिंहपुर होके भी जा सकते हैं, लेकिन उधर से नहीं जाएंगे हम। हमको चलना है भाई यहाँ से सनकपुर से अब्दुल्लागंज और वहाँ से फिर सीधा बरेली वाला हाईवे लग जाएगा, उदयपुरा और तेंदुखेड़ा और सीधा शाहपुरा और फिर ये जबलपुर आ जाएगा, देख सकते हो। दोस्तों देख रहे हो नीचे गाड़ी चले गई है यहाँ से, ये देखो खतरनाक मोड़ है यार नीचे, डरना खतरनाक है ये। जरा बहुत प्यारा है दोस्तों इस रोड का, अब्दुल्लागंज जाएगा ये सीधा और आगे भोपाल निकल जाएगा रोड। बाहर का व्यू चेक करो भाई, मस्त वाला। फिर से आगे सिंगल रोड लग जाएगा, ये पीछे भी सिंगल रोड लगा था, दो गाड़ी क्रॉस होने के लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। देखो अब नीचे उतार ली गाड़ी मैंने, बस वाला भी नीचे उतारेगा, क्या बात है, नहीं उतारा। हम लोडिंग गाड़ी वाले को तो क्या समझते, बस वाले और कार वाले पता नहीं।
हम उतारेंगे नीचे, पूरी पूरी जगह उनको देंगे, लेकिन वो लोग नहीं उतारते नीचे। ये दोस्तों पहुंच गए हम अब्दुल्लागंज, और यहाँ आगे से एक रोड है लेफ्ट में जो है कि बरेली जाएगा, तो अपने को बरेली साइड से ही चलना है, और आगे से हाईवे लग जाएगा, फिर बरेली से थोड़ा सा पहले से फोर लाइन लग जाएगा। ये देखो 281 किलोमीटर जबलपुर लिखा हुआ है ना बोर्ड पर, और ये सीधा होशंगाबाद जाएगा रोड। ये आ गया दोस्तों बाईपास रोड, अपने को तो सीधा सीधा चलना है, और ये जो ब्रिज के ऊपर से रोड जा रहा है ना, इधर तो भोपाल साइड में जा रहा है, और इस साइड में जो है ना होशंगाबाद नागपुर बैतूल जाएगा भाई वो वाला, तो ये अपना सीधा सीधा कुल्फी वाला, देखा कुल्फी खाएंगे पापा जी, और बाथरूम वाथरूम भी कर लेते हैं। चलो भाई अभी क्या गर्मी वर्मी भी होने लग गई है, तो एक एक कुल्फी खा लेते हैं, और बाकी बाथरूम वाथरूम भी जाके आ जाते हैं। कितने कितने वाली कुल्फी भाई दिखाना, ये कितने वाली है? ये 10 वाली, मतलब ये 20 वाली, 10 वाली करेंगे। बताना ये 10 वाली है? नहीं मतलब ये है 20 वाली। हाँ उसे 2 पीस 10 वाली करेंगे, ऐसा मतलब 20 वाली, ये पूरा डब्बा 20 का है, उसका 2 पीस करेंगे तो 10-10 रुपए वाली होगी। चलो दीजिए 2 पीस कर दीजिए। मावे वाली है सर? हाँ मावे वाली, दूध मावे वाली। अच्छा दूध मावे वाली कुल्फी है। ये क्या है, मलाई? ये मावे वाली मलाई, दूध मावे वाली मलाई। चलो टेस्ट करके देखते हैं ना, टेस्ट है तो बढ़िया है भाई। अरे बाप रे आगे है ना एक्सीडेंट हो गया भाई, ट्रक वाले के आगे कार वाला लगा दिया। देखो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, किसी को लगी तो नहीं, देख लेते भाई खड़ी करते गाड़ी इधर है ना। देख रहे भाई अल्टो वाले ने बिल्कुल है ना आड़ी लगा दी गाड़ी के आगे, कैसी गाड़ी चला रहे भाई, ट्रक वाला तो अपनी साइड में दिख रहा है। चलो भाई चलते हैं। ये यहाँ से खींच के ले गया कार वाले को, अब पूरा डाउन है ना यार, ये देखो ना अपन चढ़ाई चढ़ रहे हैं उधर से डाउन है, अब वो उल्टी साइड से आउटेक मारेंगे तो बड़ी गाड़ी वाले को उस साइड में दिखेगा थोड़ी इतनी छोटी गाड़ी, तो बिल्कुल पास से आउटेक मारा बोले कार वाले ने, तो उसी चक्कर में है ना ऐसे सीधा पीछे से ठोका और घिसड़ के ले गया, और आगे जाके ऐसी आड़ी हो गई गाड़ी। चलो ठीक है गाड़ी वाड़ी तो बन जाएंगे, लेकिन है ना इंसान नहीं बनेंगे, किसी को लगे नहीं, एक खुरच भी नहीं आई। भाई साहब बाहर का नजारा चेक करो, कितनी प्यारी लोकेशन आ रही है। पापा जी कौन सी गाड़ी यार इतनी बड़ी है, टायर देखो इसके। वो माइंस में चलते वही डेम्पर है ये। हाँ वही है। देखो भाई बाहर का नजारा चेक करो, सुपर वाला। बारिश के दिनों में तो बिल्कुल फूफा जी हरियाली हरियाली रहती होगी है ना। पाल्टी वाले को फोन किया था दोस्तों मैं, तो पाल्टी वाला बोल रहा कि 3 बजे से थोड़ा पहले पहले आ जाना भैया बोले, तो गाड़ी खाली हो जाएगी जबलपुर, और अगर लेट हुए तो मजदूर नहीं मिलेंगे बोले। तो जबलपुर अभी यहाँ से कितना बचा है, 129 किलोमीटर बचा हुआ है देख सकते हो ये, और ये गाँव है तेंदू खेड़ा, और टाइम क्या हो रहा देखते हैं, टाइम देख सकते हो 12 बजने वाली है, 5 मिनट की देरी है, और हम सोच रहे हैं भाई खाना वाना नहीं खाएंगे, गाड़ी वाड़ी खाली करके अब शाम को ही खाना खाएंगे, तो नाश्ता मिलेगा तो नाश्ता कर लेंगे चलती गाड़ी में, और अभी फूफा जी गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठ गया हूँ भाई साइड में, और ये गाँव है तेंदू खेड़ा, और रोड जो है ना दोस्तों अभी मस्त बन गया है,
पहले जो है ना हमको आना पड़ता था जुलवानिया, जुलवानिया से खंडवा और खंडवा हरदा और हरदा से होशंगाबाद होके इस साइड से नरसिंहपुर होके आना पड़ता था। और वो जो रोड है ना पूरा सिंगल रोड है, दो गाड़ी फेसो फेस निकलती ऐसा रोड था। और ये वाला रोड भी ऐसा ही था पहले, लेकिन अब बन गया झकाझक हो गया। ये डायरेक्ट भोपाल से लेकर तो जबलपुर तक एक नंबर रोड हो गया, पूरा फोर लाइन देख सकते हो। रोड की हालत मास्टर रोड है भाई। ये स्पीड की मशीन लगी हुई ऊपर देख रहे हो, बंद है शायद, नहीं तो स्पीड बता देते अपनी गाड़ी की कितने की स्पीड है। 80 से ऊपर स्पीड होगी ना तो ओवर स्पीड बताएगी, और हो सकता है वो वीडियो सेव भी हो जाएगा और आपके गाड़ी का चालान भी आ जाएगा। तो इसीलिए 80 से नीचे नीचे ही गाड़ी चलाए। पानी भी पूरा गर्म हो गया, इसको कपड़ा वपड़ा बांधना पड़ेगा। उपा जी आगे कहीं होटल देख के रोको, कहीं ठंडा वंडा भी लेंगे। ठंडा लेते हैं यार आगे और नाश्ता वगैरह लेते हैं, भूख भी लगने लग गई अब तो, 12 बज गए है ना इसीलिए। देखो दोस्तों जबलपुर साइड में जो है ना ज्यादा करके काहे की खेती है, मूंग की, ये मूंग है और गन्ने की। और पानी का साधन अच्छा है लग रहा है इस साइड में है ना, पानी का जो लेवल है ना धरती का ऊपर ही होगा, इसीलिए पूरी हरियाली हरियाली है चारों तरफ। मतलब एक दो खेत खाली ऐसा दिख रहे हैं, बाकी सब हरे भरे खेत लग रही है। ये देखो देखो दोस्तों ये जो हाईवे आगे आ गया है ना, ये लेफ्ट जाएगा सागर और झांसी उधर निकल जाएगा, कानपुर भी जा सकते हो आगे, ग्वालियर जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आएगा इधर लेफ्ट जाएंगे तो सागर, और इधर राइट जाएंगे तो लखनादौन निकलेगा ये, और आगे निकल जाएगा नागपुर वगैरह। और अपने को सीधा चलना है पापा जी, सीधा चलना अपने को। रोको यार यहाँ पे ठंडा लेते हैं, ये दिख रहा ठंडे वाला, खड़ी करो गाड़ी यहीं पे। भैया एक माजा देना, माजा माजा, एक माजा लिया है मैंने, उधर समोसे वाला दिख रहा है, चलता हूँ उधर, कभी समोसा मिल जाएगा ना तो ले लेंगे, समोसा तो है भाई के पास में। ये रहा समोसा लेने वाला था दोस्तों, लेकिन क्या चाट ही बनवा लेते, तो दो चाट बनवा ली है, भैया बना रहे अभी। एक माजा लेके आया और दो चाट बनवा लिए भाई, तो मैं खा लेता हूँ उसके बाद में पापा जी खा लेंगे। पापा जी कैसे खाएंगे, खा लेंगे, खा लेंगे दो, ये लो रखो स्टीयरिंग पे, ये खा लो आराम से। चलो दोस्तों खाता हूँ मैं भी। जान दो भूपा जी, चला 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 चला, हार्न मार दो, जान दो। रोड का काम चल रहा है अभी देख सकते हो। रोड पे जानवर नहीं आए इसलिए जाली भी लगा रखी, देख रहे हो ये साइड साइड में, उस साइड में भी लगी हुई है। और घाट के ऊपर इतना ही रोड बनना बाकी है, बाकी तो रोड बहुत ही मस्त बना हुआ है, बिल्कुल चिकना रोड है, एक नंबर। जबलपुर से 70 किलोमीटर पहले है हम, और डीजल अपना एंडिंग पे आ गया है, तो 2010 का डीजल डलवा लेते हैं, पहुंच जाएगी गाड़ी। बाकी मैं पानी वानी भर लेता हूँ, ठंडा पंपे है तो फ्रीजर लगा हुआ उधर सामने, ठंडा पानी दो बॉटल भर के लाते हैं। उपा जी डलाएंगे डीजल तब तक। चलो भाई डीजल भी डलवा लिया, ठंडा पानी भी भर लिया, पानी भी पी लिया, और बाकी हाथ मुंह भी धो लिया भाई, अब अच्छा लग रहा थोड़ा।
ये आ गए दोस्तों जबलपुर, 11 किलोमीटर सीधा बता रहा है, और 277 नागपुर, और इधर कटनी है लेफ्ट में 106 किलोमीटर। तो अपने को सीधा तो नहीं जाना है, सीधा तो नो एंट्री है। अपने को ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, इसी ब्रिज के इस साइड में जाना है, कटनी साइड में, और यहाँ से समथिंग अपने को चलना है भाई 8 किलोमीटर। और बाहरी अपनी गाड़ी जो है क्या बोलते हैं, बाहरी अपनी गाड़ी खाली होगी कटंगी बाईपास पर, कटनी बाईपास नहीं, कटंगी बाईपास पर खाली होगी अपनी गाड़ी। यहाँ से उतर जाएंगे दोस्तों दमोह रोड पे, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर चलना है अपने को, और ये रास्ता तो सीधा कटनी और आगे रीवा सतना, और जा सकता आगे आप बनारस जा सकते, पटना जा सकते, आगे निकल जाएगा भाई। पहुँच गए दोस्तों अनलोडिंग पॉइंट पर, ये रहा गोडाउन, इस गोडाउन के अंदर खाली होगा अपना गाड़ी। यहाँ पर लगाना भाई अपनी गाड़ी, आन दो पापा जी, आन दो। फाइनली दोस्तों लगा दिए गाड़ी अपनी, पीछे के फट्टे वट्टे खोलते हैं, देख सकते हो ये लगा दी भाई गाड़ी अपनी, पीछे के फट्टे खोल देते हैं, और एक ये रस्सी खोलना पड़ेगा अपने को, तो खोलता हूँ भाई मैं रस्सी और पीछे के फट्टे। खोल दिए दोस्तों फट्टे वट्टे इधर रख दिए, देख सकते हो ये खोल खुला के बिल्कुल, अब मेहमान आएंगे और इसको खाली कर देंगे। करते भाई गाड़ी वाड़ी खाली, फिर मिलते हैं आप लोगों से, हाथ वाथ धो लेते हैं, क्योंकि भाई दवाई है ये अपनी जो गाड़ी में है ना, दवाई भरी हुई जो खेतों में डालते हैं ना, वही दवाई है दोस्तों। 6:30 बज चुकी है, देख सकते हो ये बज चुकी देख सकते हो, और है ना गाड़ी अपनी खाली हो चुकी है भाई, और मैं सो गया था, गाड़ी खाली होने लगी वैसे ही लगा दिए थे यहाँ पे, और आगे जो है ना धूप पड़ रही थी, कंबल डाल दिया था कांच के ऊपर और सो गए थे। और बाहर देखो बारिश आ गई भाई, ये अचानक बारिश आ गई देख रहे हो ये, और हवा भी चल रही भाई तेज वाली। तो अब मैं जाता हूँ पीछे और रिसीविंग ले लेते और पीछे के फट्टे लगा लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकल चलेंगे भाई। फाइनली दोस्तों पोच लेना था, पोच भी ले ली, ये रही देख सकते हो, और ये पोच इसको जो बोलते हैं ना रिसीविंग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने माल खाली कर दिया है जहाँ से लोड किया वहाँ से, और इसके ऊपर क्लियर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, कहीं डैमेज तो नहीं है कोई बात से, बाकी कोई बात से कम तो नहीं है, कोई माल कम तो नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसीलिए इसको भाई रिसीविंग बोलते हैं, जो कि हमारी भाषा में पोच बोल देते हैं। तो हमारे पैसे समथिंग अभी 5,000 रुपये रुके हुए हैं, ये जाकर वापसी में जमा करेंगे तो हमको वापस 5,000 रुपये मिलेंगे, बाकी ऊपर का जो भाड़ा था वो मिल गया हमको, डीजल वगैरह डला के टोल वगैरह डलवा के हम आ गए थे, और बाकी 5,000 ही रुके हुए हैं फिलहाल में, इसको रखते हैं। और बारिश अभी खुल गई है देख सकते हो आप, ऊपर की बार बताना पड़ा, देख सकते हो बारिश अभी है ना खुल गई है, तो अभी मैं इसको रखता हूँ, गीला ना हो जाए तो 5,000 हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। चलो भाई निकल पड़े यहाँ से, गेट के बाहर खड़ी कर दी दोस्तों गाड़ी मैंने, ये देख सकते हो निकाल के, बाकी अभी ट्रांसपोर्ट वाले को फोन कर रहा हूँ, जबलपुर वाले को भी, और इधर फिर क्या बोलते हैं जो चारा भरते ना भूसा, उनको भी फोन लगा लेते हैं, वैसे तो बारिश हो गई है, भूसा वूसा शायद ही मिलेगा ऐसा लग रहा है, फिर भी कोशिश करते लगाते उनको फोन, और क्योंकि है ना बारिश का मौसम खतरनाक हो रखा, देख रहे हो ये ऊपर देखो, इधर तो अभी बारिश चल रही है ऐसा लग रहा है, पूरा काला काला बादल छा रखा है। ये रही अपनी गड्डी, और यहाँ पे खाली करी, फूफा जी चाय पिए, चलो दोस्तों चाय वाई पीते हैं, और फिर उसके बाद वहीं बैठे बैठे है ना ट्रांसपोर्ट वाले को फोन करते हैं, क्या होता क्या नहीं, माल क्या मिलता है इस साइड से, गाड़ी तो अपनी खाली हो ही गई है अभी, तो माल वापस ढूंढने की टेंशन है अभी। देखो माल भर लेते ना तो जल्दी पहुँचने की टेंशन, फटाफट खाली करने की टेंशन, और गाड़ी खाली हो जाए ना तो उसके बाद में गाड़ी वापस लोडिंग करने की टेंशन। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये वाले ब्लॉग को रखूंगा यहीं तक, आज वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेकर भाई टाटा बाय बाय।